हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ा रहा हूँ उसको भी बेहतर तरीके से नोट्स बनाकर प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। मेरी वीडियो आप एक बार कंप्लीट देखते होंगे, इसके बाद आप नोट्स बना लेते होंगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती होगी और आप एक ही बार देखने के बाद आपको पेपर तक कोई भूलने के चांस नहीं बचते होंगे। तो यहाँ पर उसी सीरीज पर मैंने आपको एसीटोन के प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन कैसे करना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज चर्चा करूंगा उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए मैं 3 या 4 वीडियो डेली प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप भी मेरा एक छोटा सा काम किया करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर किया करिए ताकि और भी दोस्तों का हमारे भला हो सके। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के पहले भौतिक गुण के बारे में। तो हमारा आज का जो पहला भौतिक गुण है, तो दोस्तों जब आप एसीटोन को देखते हैं तो वह रंगहीन होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों? रंगहीन होता है। तो लिख देंगे यह रंगहीन, क्या लिख देंगे? यह रंगहीन। जब इसको आप देखते हैं तो यह सुगंधित, जब इसको आप सूंघते हैं तो क्या होता है? सुगंधित होता है। तो इसे लिखेंगे यह रंगहीन सुगंधित। और जब इसे देखते हैं तरल पदार्थ है परंतु यह ज्वलनशील द्रव है। कैसा है? ज्वलनशील द्रव है। तो इसे आप लिख देंगे यह रंगहीन, आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा, यह रंगहीन सुगंधित। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, यह रंगहीन सुगंधित तरल ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा? तरल है और ज्वलनशील पदार्थ, सुगंधित भी है। तो इसलिए लिखिएगा यह रंगहीन सुगंधित तरल ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा है? ज्वलनशील पदार्थ है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, सुगंधित है, रंगहीन है और ज्वलनशील पदार्थ है। अपने सेकेंड के बारे में आते हैं, तो हमारे सेकेंड क्या हो जाएगी? इसका जो क्वथनांक है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको जब 56 डिग्री तक आप गर्म कर देते हैं तो भाप बन के क्या होता है? उड़ने लगता है। वही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, तो ये जल में क्या होता है? घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। इसलिए क्या है? जल में मिश्रणीय है, जल में घुलनशील है। तो अब दोस्तों इनके तीन जो मैंने भौतिक गुण बताए, जब आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इन्हीं को लिख देंगे। अब मैं आगे इसके जो मोस्ट रासायनिक गुण है उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं करवाऊंगा, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी उसी करवाऊंगा, जो कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब में भी वो काम आएगी। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाता हूँ, एसीटोन का अपचयन करवाता हूँ। तो अपचयन करवाने के लिए सबसे पहले मैं एसीटोन का फार्मूला लिखूंगा। तो मुझे पता है कि एसीटोन का जो फार्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, तो मैंने एसीटोन का फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मुझे करवाना है अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किससे? हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब मैं इसका क्या करवा दूंगा? इसे गर्म करूंगा। एनआई की उपस्थित में इसका अपचयन होगा, क्या कि निकिल की उपस्थित में इसका अपचयन होगा। और इसे मैं क्या करूंगा? हीट कर दूंगा। जब इसे हीट कर दूंगा तो देखिएगा दोस्तों हो क्या जाएगा, ये वाली जो यहाँ पे 2 वैलेंसी है तो इन दोनों वैलेंसियों को खोल देंगे। सिंपल रिएक्शन है बहुत, पहले इसको उसी प्रकार सी तक लिखेंगे तो हो जाएगा CH3 और ये सी, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसके बाद ये वाला जो बांड है, डबल बांड है, तो इस बैलेंसी को एक बैलेंसी को ऊपर की तरफ खोल देंगे तो ये ओ है, तो इधर इस एच के साथ OH बना लेगा। क्या बना लेगा? OH बना लेगा। अब ये वाली हमारे पास बैलेंसी क्यों खाली हो गई? क्या हो गई? खाली हो गई। तो इसके लिए भी हमें किसी एक कंपोनेंट की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? इधर एच में 2 का मल्टीपल करवा लेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 1 हाइड्रोजन इधर भी लग जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन यहीं पर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल और एल्कोहल। इनको फार्मूले जरूर लिखते जाइएगा कौन काहे का फार्मूला है। तो दोस्तों हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी, मुझे हाइड्रोजन इससे अपचयन कराना था तो मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई। इसकी 2 वैलेंसियाँ थी तो सिर्फ 1 वैलेंसी के साथ इस एच को ऐड करके OH बना दिया, और इसके साथ ये वैलेंसी खाली हो गई, तो इस कंपोनेंट को एक कंपोनेंट की और आवश्यकता थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवाया तो 1 H यहाँ से और मिल गया, तो हमारे यहाँ से रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और रिएक्शन हो गई, ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को जरूर करिए। तो यहां पे अब हमें क्या करना है? क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवानी है। कैसे? तो हमें रिएक्शन क्या है कि हम रासायनिक गुण किसके देख रहे हैं? एसीटोन के। तो सबसे पहले हम एसीटोन का फार्मूला, दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को उम्मीद करूंगा कि आपके क्वेश्चन में रिएक्शन 100% आपको मिलेगी। तो यहां से सबसे पहले मैं क्लोरोफॉर्म का फार्मूला लिख लेता हूं, CH3 सी डबल बॉन्ड और ये हो गया CH3। इसके बाद मुझे रिएक्शन करवानी क्लोरोफार्म से, तो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्या होता है? CH
और ये होता है Cl3। क्या होता है? CHCl3। इसके बाद हम क्या करेंगे, KOH की उपस्थित में, किसकी उपस्थित में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की उपस्थित में इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो अब देखना, समझिएगा मेरी बात क्या होगा, जो भी रिएक्शन आप इस प्रकार से करवाते हैं तो ये सी तक मामला पूरा उसी प्रकार उतार लीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले उतार लेता हूँ CH3, इसके बाद यहाँ से हमारा हो गया C और ये हो गया CH3। इसके बाद अब क्या करना है, ये मेरी बात समझिएगा, इस बैलेंसी को आपको क्या करना है, अलग करना है। तो ये वाला जो H आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है, तो इस वाले O के साथ ऊपर वाली बैलेंसी के साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस O को इस H के साथ ऊपर वाली बैलेंसी के साथ जोड़ देंगे। अब जो बचा हुआ कंपोनेंट है, क्या है, जो बचा हुआ कंपोनेंट है, ये वाली बैलेंसी जो खाली है इसके साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, CCl3। ये आपका क्या बन गया है दोस्तों, क्लोरीटोन। क्या बन गया? क्लोरीटोन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया? क्लोरीटोन। अब आपसे दोस्तों क्या पूछता है पेपर में, मैं वो आपको बता देता हूं। एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछ लेगा, ये आपका एसीटोन है, पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे। नंबर एक में क्वेश्चन दे देगा, आपको रिएक्शन देनी होगी, एक नंबर का, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन। कैसे, क्या कहेगा, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, या फिर कह देगा क्या होता है जब क्लोरोफार्म को, किसको, क्लोरोफार्म को, इस क्लोरोफार्म को एसीटोन के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि एसी कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, या फिर पूछा जा सकता है क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया हम कैसे कराते हैं क्लोरोफार्म से, कैसे कराते हैं क्लोरोफार्म से। इस रिएक्शन को आप वेरी मोस्ट लिख लीजिएगा, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसे मत बुलाइएगा एग्जाम में जाते वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब अगली नेक्स्ट रिएक्शन को देखना है, HCN से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया कराना है हमको, नेक्स्ट रिएक्शन करवाना है HCN से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCN, आपको ये तो पता है क्लोरोफार्म के एसीटोन के साथ करवाना है HCN की रिएक्शन। अब देखिएगा सिंपल सी वही रिएक्शन है, आपने सभी रिएक्शनों में देखा कि ये ऊपर वाली बैलेंस है, यहाँ पर H होता है तो इस H के साथ OH बना लेता है, तो सिंपल सा इसमें भी वही काम होगा, CH3 C और ये CH3 ऊपर वाली बैलेंसी से जो O है इस H के साथ OH बना लेगा, और नीचे CN है जो, तो इधर ये नीचे वाली जो बैलेंसी खाली हो जाएगी तो इस पर बना लेगा CN बना लेगा। अब बात आती है इसका, ये किसका फार्मूला है, तो ये है एसीटोन साइनोहाइड्रेट, किसका है, एसीटोन साइनोहाइड्रिक, और ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। तो दोस्तों ये रिएक्शन भी उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में बेहतर तरीके से आ चुकी होगी। तो यही थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको बताना चाहता था, तो उम्मीद करूंगा कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। बस दोस्तों मैं आपको जो खास खास रिएक्शन थी जो पूछी जाने वाली थी वो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं रिएक्शनों को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एसीटोन से यही रिएक्शन बार बार एग्जाम पे देखने को मिलती है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।